क्वेश्चन नंबर 83 आपके इश्यू ऑफ शेयर में से अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो पता ही होगा सर अच्छा था, नहीं अटेम्प्ट किया है केवल आप देखने आए हैं तो मैं फिर कह रहा हूं प्लीज डोंट प्ले विद योर कंसेप्ट विद योर क्वालिटी। आप अटेम्प्ट कर लीजिए, गलती होती है या वर्किंग नहीं हो पाते तो आप वर्किंग को आराम से ऑब्जर्व कर लेना। ए लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ₹1 पर शेयर। अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। तो ₹10 का शेयर है या इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो इसको मैं 2+1 बोल सकता हूं, तो ₹3, ₹2, ₹3, तो बैलेंस कितना रह गया 5×8 और बैलेंस रह गया ₹2 का अमाउंट। ओके, फिर 160 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, मंगवाए कितने थे 1 लाख मंगवाए थे, 90 वालों को 40 दिया, 50 वालों को 40 दिया, 20 वालों को फुल का मतलब 20 दिया, रिजेक्ट किसी का नहीं किया हमने, एक्सेस जो एप्लीकेशन पे आया था एडजस्ट करना अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कहां तक जाएगा वो एडवांस अमाउंट पे डिपेंड करता कितना कितना एडवांस पार्ट है। ऋषभ ए शेयर होल्डर जिसने अप्लाइड किए थे, वर्डिंग जहां जहां गलतियां कर सकते हैं, 1500 शेयर्स और जो बिलोंग करता है कैटेगरी 2 में, डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। दूसरा शेयर होल्डर सुधा अप्लाइड किए थे 1800 शेयर्स, बिलोंग टू कैटेगरी 1, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। ऋषभ के और सुधा के शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया और उनको फिर हमने रीइश्यू कर दिया ₹7 के हिसाब से, फुल्ली पेड अप है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीजें और हैं जो डल सकती थी, लेकिन क्वेश्चन डालने वाले को आपके ऊपर दया आ गई इसलिए वो वर्किंग नहीं डाली गई। चलिए सर शुरू करते हैं, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। पहली एंट्री क्या होगी सर, फर्स्ट एंट्री रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट स्टेज पर आपका जो अमाउंट है कोई प्रीमियम नहीं है, नॉर्मल पार्ट पे मंगवाए गए थे 1 लाख, लेकिन आ गए हैं 1,60,000 इंटू में 3 के हिसाब से। देखिए आप बिल्कुल फाइनल स्टेज पे चैप्टर के पहुंचे हुए हैं और ये वर्किंग स्टार्टिंग स्टेप से आपकी रिपीट हो रही है, तो मेक श्योर कि अब ये खुद के लेवल पर गलतियां पकड़ में आए, इन पर मिस्टेक ना हो। चलें आगे। यस सर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब एक्सेस अमाउंट जो है वापस तो करना नहीं है, शेयर अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल वगैरह पे कितना जाएगा उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 3 कैटेगरी में बात हुई है कि 90 वालों को आपने 40 दिया है, यस सर, 50 वालों को भी आपने 40 दिया है, यस सर, और 20 वालों को आपने 20 दिया है। डन डन। तो जब मैं 90 वाले पार्ट की कैटेगरी करता हूं तो उसने कहा 90 पे एप्लीकेशन अमाउंट। देखिए पेशेंस से वर्किंग करनी पड़ेगी, आप के दिमाग में चलता रहता है आंसर आ जाए फटाफट, आंसर आ जाए फटाफट, या क्वेश्चन के साइज को लेकर पहले ही साइकोलॉजिकल पार्ट। जब तक आप केवल ऊपर ऊपर से वर्किंग निकालने की कोशिश करेंगे ना, वहीं आपकी लंका लगनी तय है। मेक श्योर पहले दिमाग में पेशेंस हो भाई, तसल्ली बख्श, आराम से वर्किंग समझेंगे पहले, केवल मुझे आंसर लपेटने नहीं है। तो 90,000 इंटू में 3 सर, ये मुझे एप्लीकेशन अमाउंट मिला था, अपने दम पर चेक करना साथ साथ, इतनी पेमेंट मुझे मिली थी। लेकिन शेयर अलॉट करने के 40
तो ये अमाउंट आ गया 1,20,000। तो टोटल पार्ट हो गया 1,50,000। तो मेक श्योर कि ये एडवांस अमाउंट यहां तक आपको निकालना आ चुका हो। अब बारी आती है आगे उससे क्या लेना था। सर आगे लेनी है अलॉटमेंट जो कि ये 3 रुपए की। अब अलॉटमेंट कितने शेयर से लेंगे सर? 40 से लेंगे, बिकॉज 90 वालों को आपने 40 दिया है, तो आगे जो अलॉटमेंट की 3 रुपए पेमेंट लेनी है वो केवल 40 से लेनी है। तो 40 × 3 1,20,000 की पेमेंट ही लेनी है यहां पर। अब ये कह रहा है कि 150 का एडवांस है जो मैं बार बार स्टार्टिंग से बोलता आ रहा था। तो आपने चेक किया सर 120 लेनी है, तो यहां पर 150 वाले पार्ट को हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद भी 30 बच जाएगा। तो 30 फर्स्ट कॉल तक लेके जा सकते हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। तो सेम वहां पर आपको 40 × 3 120 का अमाउंट एडजस्ट हो सकता है। तो आपने 150 आपके पास एक्सेस थे, 120 आपने यहां पे यूज कर दिया, तो आपके पास 30 बच गए थे। तो 30,000 यहां पे एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये हम काउंटिंग कर क्यों रहे हैं कि आपका जो अमाउंट आपकी जेब से 270 का निकला है वो कहां कहां कितना कितना जाएगा। सर एप्लीकेशन पे मेरा अमाउंट जाएगा 120 का, अलॉटमेंट पे जाएगा 120 का, कॉल पे जाएगा 30 का। आर यू गेटिंग? 270 आया था 120 एप्लीकेशन पर, 120 अलॉटमेंट पे, और बचा हुआ 30 वाला पार्ट मेरा कॉल पर। तो आप जब यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट, अब दो कैटेगरी है, पहले एक वाली कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट पे अमाउंट जाएगा 120, इसमें और अमाउंट भी ऐड होगा अभी सेकंड कैटेगरी वाला। टू शेयर फर्स्ट कॉल पर 30,000 की वैल्यू जाएगी। इनकी काउंटिंग में जो मिस्टेक आपसे हो सकती है, बड़े प्यार से इन वर्किंग को सुनना ध्यान से कि सर 90,000 पे 3 रुपए आपने दिए थे 270, लेकिन आपने शेयर अलॉट किए 40, तो आपका अमाउंट एप्लीकेशन पे केवल 120 यूज होगा। तो ये अमाउंट आपका आया एक्सेस में। अब एक्सेस को पैसे को हम आने वाले स्टेज पे यूज करेंगे। तो आपने कहा 3 रुपए हमें वहां पर लेने हैं, 40 × 3 120 लेने। सर आपका अमाउंट 150 है, ज्यादा है, हम तो केवल 120 यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो पैसा बच गया उसको लेके जाऊंगा कॉल पर, कॉल पे 120 लेने थे लेकिन फालतू 30 था। तो इस 270 में से 120 दे दिया एप्लीकेशन पर, 120 दे दिया अलॉटमेंट पर, 30 दे दिया फर्स्ट कॉल पर। अब बारी आती है सेकंड कैटेगरी वाले पर। सेकंड वाले पे हमने क्या बोला, 50,000 के लिए अप्लाई किया गया, 40,000 अलॉट हुए। तो 50,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए का अमाउंट बनता है। आपका अमाउंट हुआ केवल 120 अप्लाइड, एक्सेस आ गया 30,000। तो ये चला जाएगा अलॉटमेंट पे। क्रॉस चेक कर लिया आपने कि अलॉटमेंट पे वैसे भी 120 लेने थे, हमारा एक्सेस तो 30 है, तो 30 को ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 30,000 यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर ये मैंने पहले बताया था, जितना आपने इनवाइट किया था उससे ज्यादा अमाउंट आप नहीं डाल सकते। तो ये आपका अमाउंट 3,00,000 रुपए का अमाउंट ये चला गया। तो आप क्रॉस चेक कर लें 480 की पेमेंट को कहां कहां पर किस तरीके से एडजस्ट किया गया। कैपिटल पे 1,00,000 × 3, अलॉटमेंट के ऊपर फर्स्ट कैटेगरी वाला 120, सेकंड कैटेगरी वाला 30, फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 वाला पार्ट आपके सामने, कॉल इन एडवांस। तो शेयर फर्स्ट कॉल की जगह पे यहां पे कॉल्स इन एडवांस के नाम से आप वर्किंग डाल सकते हैं, फर्स्ट कॉल यहां पे रहने दें। तो कुल मिला के जो वर्किंग है
पूरा पूरा पार्ट हेल्प कर रहा है आपको कि वर्किंग को कैसे बांटना है, कहां कहां परेशान कर सकती है। अब चलते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पर। अलॉटमेंट पे हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए जो वैल्यूज आपके सामने डल रही हैं, तो आप बेटर तरीके से वर्किंग को देख सकते हैं। खुद करते टाइम सर हमसे कहां गलती हो जाती है और वो मिस्टेक को फिर इंप्रूव करना कैसे है। तो शेयर कैपिटल कितने रुपए की, सर 2 रुपए की कैपिटल है, 1 रुपए का प्रीमियम है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, सर नंबर ऑफ शेयर है यहां पर अब 1 लाख। एक्सेस का हिसाब किताब पहले ही हो चुका है, तो शेयर कैपिटल हो गया 2 लाख का, प्रीमियम हो गया आपका 1 लाख का, टोटल 3 लाख रुपए आपको एडजस्ट करने हैं। अब अगर यहां पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं भी करता, देखो किस तरीके से वर्किंग लेके चल रहे, किस पढ़ते किस तरीके से, तो आपने कहा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से मैं एंट्री पास कर सकता हूं। अब आपके हिसाब से 3 लाख रुपए लेने थे, लेकिन आपने पहले वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट के नाम से 150 पहले ही यहां पे आपने डाल दिया है, तो 3 लाख में से 150 चला गया, तो 150 पार्ट आपका यहां पे रह गया। अब यहां पे पेमेंट नहीं दी ऋषभ ने, नहीं दी जो सुधा है, जो कैटेगरी 1 में है, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। तो वैसे भी कैटेगरी 1 वाले की अलॉटमेंट तो पहले ही आ चुकी है, क्योंकि उसका पहला पैसा एडवांस पूरा हो चुका है। ऋषभ जो कैटेगरी 2 में था, उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं की, तो हमें अलॉटमेंट पे उसका एरियर अमाउंट निकालना है। आराम से देखिए कैसे निकालेंगे। कैटेगरी 2 वाले में क्या था, सर 50 वालों को 40 मिले हैं, 50 वालों को कितने मिले हैं 40, और ये कह रही कि मैंने अप्लाइड किए हैं 1500 शेयर, तो हम आपको अलॉट कितने करेंगे, अप्लाइड अलॉटेड। तो काउंटिंग में हमने बताया था बार बार कि दोनों में से एक पार्ट में गिवन होगा, तो अप्लाइड वाले पार्ट में गिवन है, तो रेशियो बनाते टाइम बेस में क्या आएगा, जिस साइड का पार्ट गिवन है, ऊपर क्या आएगा सेकंड पार्ट। जो जो गलतियां हो सकती हैं मेक श्योर आप उनको अपने दम पर जल्दी जल्दी पकड़ पाए और आने वाली वर्किंग को खुद से कर पाए। तो 1200 शेयर्स आपने यहां पे अलॉट किए हैं, आपको निकालना है कि उसने फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं दिया, सर 1500 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 4500 उसने दिया था, 1200 × 3 3600 रुपए अमाउंट आपका आ चुका था, तो आपका एडवांस हो गया 900 रुपए का। अलॉटमेंट पे हम जाते हैं तो 1200 पे कैपिटल के 2 रुपए लेने हैं, 1 रुपए प्रीम का लेना है। मैंने अलग अलग करना भी सिखाया था वैसे आपको कि 2400 रुपए तो कैपिटल के हैं और 1 रुपया प्रीमियम का लेना है। सर ऐसा करने का टारगेट तो बताऊं है क्या, कि आपका जो ये 900 रुपए का अमाउंट होगा ना, ये पहले यूज होगा कैपिटल वाले पोर्शन में, तो आपने 900 रुपए यहां पर, सर उसे अगर ये प्रीमियम पे ले लिया होता तो जो पार्ट प्रीमियम का रिसीव हो जाता है उसको फॉरफिट की एंट्री में नहीं लेते, तो ये क्लियर हो चुका है इसका कोई भी अमाउंट प्रीमियम के लिए रिसीव नहीं हुआ। तो टोटल अमाउंट मुझे 3600 रुपए लेने थे, 2400 1200। काउंटिंग को दोबारा देख लो, कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है, आपको 1200 के हिसाब से 3600 रुपए पेमेंट लेनी थी, लेकिन आपके पास पहले से ही 900 रुपए आ चुके हैं, क्योंकि आपने 1500 के लिए अप्लाई किया था, 4500 आपको पेमेंट की थी, 1200 के हिसाब से आप 3600 रुपए दे चुके हैं, 900 रुपए आपके एडवांस हैं। अब हम कह रहे हैं 3600 दोबारा लेके आओ, सर 900 रुपए पहले ही आ चुके हैं,
तो उसमें पहले जो वर्किंग करके दिखाई थी उसमें क्या कह रहे थे, हमने ये चेक कर लिया उसमें से कोई अमाउंट प्रीमियम के लिए तो यूज नहीं हुआ ना। तो आपने कहा नहीं हुआ, तो 2700 का मेरा एरियर बनता है। तो कॉल्स इन एरियर कितने का, 2700 का। आराम से वर्किंग देखिए, खुद से वर्किंग निकल पा रही है तो मेक श्योर कि आप आने वाले स्टेज में गलतियां ना करें और आपका 90 प्लस जाना तय हो चुका है कि ये वैल्यू अब खुद से निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि ये मोस्टली बच्चा कंफ्यूज पाया जाता है यहां पर। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट सर, 1 लाख शेयर्स हैं, इनटू में कितना सर, 1 लाख इनटू में 3 रुपीज, 3 लाख की पेमेंट फर्स्ट कॉल पर लेनी है। अब यहां पे दो पार्टी ने पेमेंट नहीं दी, तो वहां पे जाने से पहले आप नॉर्मल बताइए, अगर कोई भी डिफॉल्ट नहीं करता तो आप शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट डालते। 3 लाख रुपए रिसीव करने थे, क्या मैं 3 लाख रुपए डाल सकता हूं सर, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, पहले वाले स्टेज पर आपके सामने यहां पे एडवांस में पेमेंट आई हुई है, कितनी आई हुई है सर, 30,000 आई हुई है। तो एक कॉल एडवांस को सर, आप यहां पे क्रेडिट में पूरा पूरा 3 लाख रुपए का डाल लेंगे तो कॉल इन एडवांस को आप खत्म कर दो पहली बात, तो जो कि कितने रुपए का था सर, 30,000 का था। अगर वहां शेयर फर्स्ट कॉल डाला होता तो यहां डिफरेंस के नाम से हम डाल लेते। अब बारी आएगी कॉल्स इन एरियर कितना आएगा, पूरा ध्यान देखना। यहां पे दो कैटेगरी हैं, पहली बात करते हैं ऋषभ की, ये तो बहुत सिंपल वर्किंग है, पूरा ध्यान सामने रखना बेटा। ऋषभ ने कहा कि मैंने अलॉटमेंट नहीं दी, अप्लाइड 1500 से निकल चुके हैं कि इसको शेयर अलॉट 1200 हुए हैं, तो 1200 शेयर पे उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो उसका एक्सेस तो पहले पूरा आ चुका है ना, तो 1200 पे 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपए का अमाउंट तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरी कैटेगरी है सर, वो कह रहा है कि उसने अप्लाइड किए थे 1800, तो इसकी काउंटिंग को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे होगा। ये कैटेगरी नंबर 1 पे बिलोंग करता है। तो आपने कहा सर कैटेगरी 1 में क्या केस था, कैटेगरी 1 में केस था कि 90 वालों को आपने 40 दिए थे, ओके। अब ये है कैटेगरी अप्लाइड और ये कैटेगरी अलॉटेड, अब ये कहता है कि आपने अप्लाइड है 1800 तो अलॉटेड कितना होगा, समझे। तो वर्किंग कैसे होगी, 1800 इनटू में बेस में क्या आएगा, जिस साइड वाला पार्ट आपका क्वेश्चन में गिवन होता है, जो कि कितना आ गया 90,000, ऊपर कितना आ गया 40,000। तो 1800 डिवाइड बाय 90,000 इनटू 40,000, मेरा अमाउंट आ गया 800। तो पहले स्टेज पे तो यही गलती हो जाती, कई बार ये निकल के नहीं आता सर, इसमें निकालने में गलती कर दी आपने। और ये वर्किंग बार बार रिपीट हो रही है हर क्वेश्चन के अंदर, कई बार अप्लाइड की बने तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड की बने अप्लाइड निकालना है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब 1800 पे एप्लीकेशन के हिसाब से 3 रुपीज उसने पे किए थे, अब ये काउंटिंग करनी खुद आपको आ जाए, 5400 उसने हमको पे किया। लेकिन शेयर वर्डिंग पे ध्यान देना बेटा, प्रेजेंट रहना, माइंड ऊपर नीचे करोगे तो गायब हो जाएगा। 2400 रुपए उसकी तरफ से आया, हमारे पास एडवांस में पेमेंट आ चुकी है 3000 रुपए की। अब हमने कहा सर अलॉटमेंट पे भी आपसे हम 2400 मंगवाएंगे, इसके बाद भी आपका जो एडवांस अमाउंट है वो आ गया 600 रुपए का, समझ में आ चुकी कहानी, यस सर। तो
अब हमारे पास फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट लेना है? सर फर्स्ट कॉल पे हमारे सामने पहली बात आई 800 शेयर्स हैं, 3 रुपीज के हिसाब से पेमेंट लेनी है, तो 2400 रुपए रिसीव करने हैं। लेकिन एडवांस में मेरे सामने अलॉटमेंट के यूज करने बाद 600 रुपए यूज करने बाद 1800 का अमाउंट बचा हुआ है, ये हमारा आ गया एरियर। तो इस काउंटिंग को प्यार से ध्यान से समझ लो, हुआ क्या है, दोबारा सुनो। सर 18 के लिए अप्लाई किया था, उसकी जेब से पेमेंट निकली थी 54, लेकिन आपने अभी निकाला शेयर अलॉट की 800, तो हमारा यूज हुआ अमाउंट केवल 2400, एक्सेस आ गया एडवांस अमाउंट 3000 रुपए। अब हमने कहा कि एक्सेस को यूज करेंगे अलॉटमेंट पे, जहां पे लेने 3 रुपए, जो कि बनता है 2400 रुपए का अमाउंट, तो अभी भी एडवांस रह गए 600 रुपए। अब फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए लेने हैं, तो 2400 में से 600 रुपए तो एडवांस में आए हुए, तो अब एरियर आ गया 1800। तो आपने जो 1800 शेयर्स वाले पार्ट पे बात की, तो वहां पे सॉरी 800 वाले पे 1800 रुपए का आपका एरियर आया है। देखना हर स्टेप के लिए कितनी बारीकी मेहनत हो रही है। तो टोटल पार्ट मेरे सामने कितना आ गया सर? टोटल पार्ट आ गया 5400 रुपए का। थ्री लैख माइनस 30,000 माइनस 5400, तो 2646,00। टेक योर टाइम, आराम समझिए। क्वेश्चन की मेन दमदार क्रीम डिस्कशन में आ चुकी है, अब रह गया बच्चों वाला कंटेंट। तो बच्चों वाले कंटेंट के लिए मेक श्योर कि आप वर्किंग को ध्यान से देख पाए। तो आगे चलते हैं हम, आराम से देखना। अब ये कहता है कि ऋषभ ने क्या क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया और सेकंड पे नहीं किया। तो सेकंड कॉल की एंट्री सबसे मंगवाई गई है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर कैपिटल, कोई भी कैंसल नहीं किया गया। तो 1 लाख के हिसाब से फाइनल कॉल बन गई थी 2 रुपए की, तो 2 लाख का अमाउंट। ये पहले डिक्शन में ले चुके, इंट्रो में 2 रुपए आया कैसे, डाउट है वहां जाके आराम से प्लीज देखना जरूर। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर सेकेंड कॉल। तो 2 लाख में से किस किसने पैसे नहीं दिए? सर दो कैटेगरी थी, एक के पास थे 1200 शेयर, एक के पास थे 800, दोनों अकाउंटिंग लास्ट पार्ट में बता चुके हैं। 2000 शेयर हैं टोटल, 2000 पे 2 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए नहीं मिले, तो मिल कितने गए? 1,96,000। अब इसने कहा कि हमने इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और फिर रीइश्यू कर दिया 7 रुपए के हिसाब से। पूरा यहां सामने ले आना, मेक श्योर कि आप अपना ये फाइनल स्टेज आराम से समझेंगे, बिकॉज हमारा टारगेट केवल ये क्वेश्चन निकालना नहीं है। जो कल वाले क्वेश्चन होंगे वो आप अपने दम पे अटेम्प्ट कर पाए। आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इस वर्किंग को समझने के बाद फिर से कोशिश करो कि आप किस इंफॉर्मेशन को कैसे करना है। ये मत सोचो कि पहले अटेम्प्ट कर लिया था नहीं हुआ तो अब तो नहीं हुआ। सर आप जो सुन रहे हैं उसके बेस पर आपका कमांड लेवल बढ़ेगा, तो मेक श्योर कि आप उस लेवल पे अपने आप को लेके जाएं। तो ये सॉल्यूशन इसलिए दिए जा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम खुद से वर्किंग हो आपकी। चलिए सर आगे, आगे कहता है फॉरफिट की एंट्री पास करनी है, पहला शेयर होल्डर का नाम ऋषभ, तो उसने अप्लाइड कितने के लिए किया था? सर उसने अप्लाई किया था 1500 के लिए। सर उसको अलॉट कितना हो पाया है? अलॉट हो पाया है 1200। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2+1, फर्स्ट कॉल पे कितना? फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे कितना? 2। तो ऋषभ
जो कैटेगरी टू में था उसने में अलॉटमेंट पे नहीं की थी, फर्स्ट कॉल पे नहीं की, सेकंड कॉल पे नहीं की। एप्लीकेशन आ गई थी, अलॉटमेंट पे नहीं की, फर्स्ट कॉल पे नहीं की, सेकंड कॉल पे नहीं की। गॉट इट? तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट। अब साफ साफ दिख रहा अलॉटमेंट की पेमेंट में प्रीमियम इंक्लूड था, नहीं आया। और पहले ही बात कर चुके हैं वो डिस्कशन में कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ नहीं है, तो उस वर्किंग को दोबारा भी देखेंगे। अभी छोटा भाई आपके लिए बार बार वर्किंग इसलिए करके दिखा रहा कि हर लेवल आपको बारीकी समझ में आ चुके। कॉल सिनेरियो, तो सबसे पहला कंटेंट, शेयर कितने? सर 1500 अप्लाइड थे लेकिन शेयर अलॉट थे 1200, तो 1200 से आपने टोटल अमाउंट पूरा पूरा 10 रुपए का मंगवाया है, तो ये तो हो गए 12000। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके सामने 1 रुपए का था, तो 1200 इंटू 1 के हिसाब से 1200। अब शेयर फोरफिट में क्या आएगा? सर 1500 के लिए अप्लाई किया गया था, तो 1500 इंटू में 3 के हिसाब से 4500 की पेमेंट उसने दी थी हमें। अब जितना पैसा उसने पे किया होता है वो फोरफिट में आता हो, तो आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं क्रॉस चेक में ये करके दिखाना चाहता हूं कि इसमें से अगर प्रीमियम पे आ चुका होता तो आप वो अमाउंट ना तो ऊपर डेबिट में लेंगे ना ही नीचे फोरफिट में लेंगे। तो हमने कहा सर 1200 का अमाउंट अलॉट हुआ, शेयर अलॉट हुए, 3600 रुपए का अमाउंट यहां पे एडजस्ट हुआ, 900 रुपए आपके एडवांस थे। अब हमें जो अलॉटमेंट पेमेंट लेनी थी उसमें कैपिटल का पोर्शन भी था और प्रीमियम का पोर्शन भी था। ये 2 रुपए की वैल्यू है और 1 रुपए की वैल्यू है, ये रही। तो 1200 के हिसाब से 2400 रुपए यहां पे लेने थे और 1200 के हिसाब से 1200 रुपए यहां पे लेने थे, 1 रुपया है ना। तो आप ये जो 900 रुपए एडजस्ट करेंगे वो पहले कैपिटल में करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है 2400 रुपए आप अरेंज करने जाएंगे, इतने एक्सेस नहीं कि प्रीमियम तक पहुंच जाएं, तो अमाउंट केवल यहीं तक ही पहुंच पाया है। इसलिए आपने जो फोरफिट की एंट्री है 4500 के वाले पार्ट की पूरा पूरा डाल सकते हैं, 3600 रुपए तो एप्लीकेशन का कैपिटल और 900 रुपए अलॉटमेंट का कैपिटल। एरियर कितना हो गया? सर आपका जो अमाउंट है 2400 रुपए से होना था, रिसीव 900 रुपए हो पाया है, तो 1500 रुपए का अमाउंट ये हो गया और 1200 रुपए प्रीमियम तो पूरा पूरा नहीं आया। तो एरियर में अलॉटमेंट का एरियर आपका हो गया 2700। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे तो मजाक है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे? 3 रुपए का पे नहीं किया, यस सर, तो 3 रुपए का 1200 के हिसाब से 3600 का अमाउंट आ गया। फिर सेकंड कॉल पे क्योंकि एडवांस अमाउंट तो पहुंचा ही नहीं वहां तक, 2 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए का अमाउंट आ गया। तो आपका एरियर 27 तो ये रहा जो नहीं दिया था, 3600 रुपए 2400 रुपए। ये जो जो वर्किंग परेशान कर सकती है, मेक श्योर कि उस वर्किंग को आप बड़े प्यार से टाइम दें, तसल्ली बख्श उस कंटेंट को देखें, कोई भी बैलेंस फिगर करके नहीं डालना है, सारी की सारी वर्किंग क्रॉस चेक करनी है, कोई डाउट होगा तो हाथों हाथ आपका पार्ट समझ में आ जाना चाहिए। आपकी इजाजत हो तो क्या छोटा भाई आगे चल सकता है? यस सर। तो अब बारी आती है सेकेंड शेयर होल्डर की, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर सुधा। सुधा ने अप्लाइड किए थे 1800, अलॉट हुए थे 800। एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 2+1 की, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की, सेकंड कॉल 2 रुपीज की। पे किया, नहीं किया, नहीं किया। ये मानिए कि आपके सामने केवल यही क्वेश्चन है और कोई वर्किंग है ही नहीं, पहले वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, पूरा ध्यान सामने लेके आओ। बार 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 रिपीट करके कह रहा हूं मैं कि प्लीज डिवाइड एंड रूल। अब आपको पहले समझ में नहीं आया हुआ तो उसको आराम से देख लें दोबारा, जब आपकी वर्किंग यहां पहुंचे तो पूरा दिन यहां पे होना चाहिए।
शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीम साफ साफ दिख रहा है रिसीव हो चुका है तो सिक्योरिटी प्रीम को नहीं लिया जाएगा। टू शेयर फोरफिटेड, टू कॉल सिनेरियो। हां जी, कितने शेयर्स की बात हो रही है? सर शेयर्स की बात हो रही है 800। कितने की? 800। बच्चा कई बार यही गलती कर देता है, वो 18 लेके क्वेश्चन शुरू कर देता है। 18 अप्लाइड था बेटा, अलॉट 8 हुए, जितने अलॉट होंगे उतने तो कैंसिल करोगे, तो जिससे गलती हो गई थी एक्सेप्ट कीजिए और उस चीज को समझिए कहां गलती हुई क्यों थी। वीडियो सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस अब पता लगेगी आपको, और ये सॉल्यूशन परमानेंटली आपके पास, अब कोई नहीं छीन सकता। सारी सारी पेमेंट मंगवाई गई थी, इनटू 10 के हिसाब से 8000 अमाउंट आ गया। शेयर फॉरफिट में कितना आएगा आराम से देखिए। सर 1800 इंटू में 3 के हिसाब से पैसे दिए थे, जब मैं वर्किंग लिख रहा हूं आप पूरा पूरा अपने आप को प्रेजेंट रखो कि 5400 रुपए उसकी जेब से निकले थे, हमने उसको शेयर दिए 800 इंटू में 3 जो कि बनते हैं 2400 का अमाउंट। वर्किंग पहले भी कर चुका हूं मैं, दोबारा करके दिखा रहा हूं कि कोई भी सीन ना रहे मिस करने का। 3000 रुपए का आपका अमाउंट आया था एडवांस में, अब आपने कहा अलॉटमेंट के 3 रुपए लेने थे तो 800 इंटू में 3 किया, 2400 रुपए का अमाउंट आपका यहां में पहुंचा। ये एडजस्ट करने के बाद भी आपका अमाउंट 600 रुपए का रह गया एरियर, सॉरी एडवांस। 3000 रुपए एडवांस में थे लेकिन यहां पे 2400 यूज कर सकता हूं, 600 रुपए बच गए। अब बारी आती है कि आपके सामने फर्स्ट कॉल पे क्या होगा। फर्स्ट कॉल पर हमने कहा सर 800 इंटू में 3 2400 रुपए दीजिए, लेकिन 600 रुपए पहले ही आपके सामने आ चुका है तो 1800 आपका एरियर है। गॉट इट? सर शेयर फॉरफिट में मैं 5400 रुपए डाल दूं क्या? आराम समझिए, यहां गलतियां होंगी। सर उसने 5400 रुपए दे, क्या डाल दूं क्या? दोबारा देख लो, 5400 रुपए दिए हैं 1800 इंटू 3 के बेस पर। मैं जल्दबाजी नहीं दिखा रहा तो आप क्यों जल्दबाजी दिखा रहे हैं? कंटेंट को जब तक आप आगे के लेवल के लिए फिट कर रहे हैं हम, अब इसमें से पैसा मेरा आपका कैपिटल में गया है जो एप्लीकेशन के टाइम पर थी, कैपिटल में गया है जो मेरी अलॉटमेंट के टाइम पर थी, प्रीमियम पे गया है जो अलॉटमेंट के टाइम पर थी, और कैपिटल के टाइम पे गया है जो फर्स्ट कॉल के टाइम पे थी। ये बंटवारा करना आ गया तो बात समझ में आ जाएगी। आपने 5400 में क्या बोला कि भैया हमने केवल 800 इंटू में 3 2400 रुपए ही यूज किए हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है? तो एक साइड आप कह रहे थे सर 5400 में से 2400 रुपए आपके यूज हो गए तो 3000 रुपए का आपका एक्सेस है। तो आगे आपने अलॉटमेंट पे 2 रुपए तो यूज किए थे कैपिटल के लिए 1600 रुपए, और उसमें से 1 रुपया आपने यूज किया था प्रीमियम के लिए। टोटल अलॉटमेंट 3 रुपए की थी तो टोटल 2400 रुपए यूज किए थे मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर। वर्डिंग पे ध्यान देना, 3000 का अमाउंट एक्सेस था, 3000 में से 2400 का अमाउंट यूज हो गया तो अब भी 600 रुपए बच गए। तो मैंने अगली स्टेज पर जो 800 शेयर होल्डरों से 3 रुपए लेने थे, आपने पूरा अमाउंट पे नहीं किया तो आपने यहां पर केवल और केवल 600 रुपए का अमाउंट ही पे किया। गॉट इट?
क्योंकि 600 का पहले आ चुका था, तुबरे 3 रुपए आ जाते तो दिक्कत क्या होती। तो मेरा कैपिटल वाले पोर्शन के लिए एप्लीकेशन पर 2400 रुपए, अलॉटमेंट पे 1600 रुपए और 600 रुपए फर्स्ट कॉल पर। अब जो प्रीमियम के लिए मैंने 800 रुपए यूज कर दिए हैं, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो हम उस पेमेंट को कंसिडर नहीं करते। तो आपका जो 5400 रुपए आया था उसमें से 2400, 1600 और 600 केवल यही अमाउंट ऐसा है जो आप अपने इस स्टेज पर यूटिलाइज कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये मिस्टेक अब आप ना करें। तो 4600 का अमाउंट ही ऐसा है 5400 में से जो शेयर फोरफिट में आएगा। इसमें से 800 रुपए का अमाउंट, 800 रुपए का अमाउंट आपका जो है फोरफिट वाले पार्ट में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज वो प्रीमियम से रिलेट करता है। ये वर्किंग इतनी बारीकी से मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि मोस्टली केस में पाया जाता है बच्चा पहुंच गया सर 83 तक पहुंच गया मैं, अब तो अब तो मेरे को आ गया, और छोटी मोटी वर्किंग नहीं आई तो कोई बात नहीं। और जिनको समझ में आ गया तो आपने रिकैप में सारा पोस्टमार्टम बड़े प्यार से अलग अलग टुकड़ों में देख लिया है, क्योंकि हमारा टारगेट है सर ये 99 भी नहीं चाहिए। इसलिए छोटा भाई इतना गला इसके ऊपर फुकवा रहा कि आपको एक एक टुकड़े, एक एक बोटियां बिल्कुल बारीकी से डिटेल करनी आ जाए। तो मैंने पहले यहां भी समझा दिया था, मैं यहां से पूरा कर सकता था, लेकिन आपको पूरा पूरा पार्ट डिटेल में समझ में आए इसलिए हमें पार्ट दोबारा बताना पड़ा। तो 4600 का अमाउंट मेरा शेयर फोरफिट में आएगा। मैं अब भी ये बैलेंस अमाउंट नहीं निकालूंगा कितना आएगा, दोबारा करके दिखाऊंगा आपके सामने कि कॉल्स इन एरियर निकला कैसे है। एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे कोई भी कंटेंट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने में। सर मेरे को फर्स्ट कॉल के 800 × 3, आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी ना 3 रुपए की, 2400 रुपए देने थे, लेकिन आप वहां पे 600 रुपए पहले के एडवांस में लेके बैठे हुए हैं। तो मेरा एरियर 600 लेस करके केवल 1800 बनता है, और फिर 2 रुपए की सेकंड कॉल, 800 × 2, 1600 रुपए का अमाउंट बनता है। तो टोटल एरियर मेरा 3400 रुपए का, क्रॉस चेक कर लो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट 600 रुपए लेस क्यों किए? बिकॉज ये पहले के आ रखे हैं, इसकी काउंटिंग है पूरा, ये चिट्ठा तो निकल चुका है। 5400 आए थे, 2400 रुपए एप्लीकेशन पर दे दिए, 3000 फालतू रह गए, 2400 अलॉटमेंट भी रह गए, इसके बाद भी 600 रुपए रह गए वो कॉल पर गए। कॉल पर 2400 रुपए लेने थे, 600 के पहले आए हुए, तो 1800 का मेरा एरियर हो गया, यहां पे 1600 रुपए का एरियर हो गया। तो टोटल अमाउंट कितने का हो गया? 3400 रुपए का हो गया। चलिए सर अब बारी आती है आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि ऑल द शेयर्स, लो यहां क्वेश्चन सिंपल बना दिया बच्चों वाला कंटेंट, नहीं तो वो यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता था। आपने पहले कर लिया उस लेवल का डिस्कशन, फिर भी ऋषभ का और सुधा का शेयर फोरफिट कर दिया और उनको रीशू कर दिया 7 रुपए फुल्ली पेड अप में। अब तो बच्चों वाली एंट्री है सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से कहानी को देख के चलिए। तो रीइश्यू के टाइम पर एंट्री क्या होगी? रीइश्यू पे आप एंट्री करेंगे डन डन। उसने कहा सर ऑल शेयर्स, तो ऑल कितने कितने थे? सर ऋषभ के 1500 अप्लाई किए गए थे, शेयर 1200 थे। इसने 1800 अप्लाई किए थे, शेयर 800 थे, ठीक है ना? ये काउंटिंग पूरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग से कई बार रिपीट हो चुकी है।
फिर भी बच्चा गलती गलती में यहां पे रीशू के टाइम पे अमाउंट गलत ले लेता है। सर मेरा अमाउंट था 2000, कितने में रीशू हुआ? 7 रुपए में, फुली पेड अप बोला गया। अब ये मत समझना स्टार्टिंग से लंबा चलता हुआ आ रहा तो यहां मैं गलती कर सकता हूं, बिकॉज आप 99 मार्क्स के लिए नहीं 100 मार्क्स के लिए हैं। हर स्टेप की पूरी गारंटी लेंगे आप, 20,000, 14,000। तो आपका शेयर फोरफिट डेबिट कितने से हो गया? 6,000 से। अब लास्ट एंट्री आपको डालनी है कि शेयर फोरफिट का जो पैसा बच गया उसको मैं कैपिटल रिजर्व में डाल पाऊं। चलें आगे। यस सर। तो वर्किंग क्या होगी? सर वर्किंग ये होगी कि पहले ये पता हो फोरफिट का अमाउंट अवेलेबल कितना है। देखिए सर, फोरफिट का अमाउंट अवेलेबल के लिए हमें देखना पड़ेगा शेयर फोरफिट थे कितने। सर सबसे मजेदार कहानी क्या है, पूरे पूरे शेयर ही रीशू किए गए हैं। अभी आपने बताया कि ऋषभ और दूसरा था सुधा, ऋषभ के 1200 शेयर थे, सुधा के 800 शेयर थे, और ऋषभ का फोरफिट अमाउंट कितना था? 4500। और सुधा का फोरफिट अमाउंट कितना था? 4600। तो टोटल अमाउंट मेरे पास अवेलेबल कितना है ये मुझे निकालना होता है। ये वर्किंग भी हर बार रिपीट हो चुकी है 9100 का। अगर वो कहता कि मैंने सुधा के सारे शेयर इश्यू नहीं किए, केवल 500 ही किए हैं, 300 ही किए, तो जितने वो बोलता उतना ही अमाउंट में लेके चलता। रीइशू के बाद कंपेयर करने के लिए जितने शेयर रीइशू किए उन्हीं के हिस्से का अमाउंट लेता हूं। ये चर्चा भी पहले आ चुकी है, आपको अभी नहीं याद आ रही तो आगे क्वेश्चन में दोबारा आएगी। अब 91 में से 6000 आप यूज कर चुके हैं तो आपका अमाउंट रह गया 3100 का। ये मेरा अमाउंट आ गया कैपिटल रिजर्व। तो ये मेहनत किसके लिए हो रही है? इसके लिए, जिसका आंसर ये आ चुका था, बच्चे पहले मुझे भेज रहे हैं, प्लीज आप रिपीट कीजिए वर्किंग। सर मेरा क्वेश्चन पहले ही रिसीव आ चुका था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें यूट्यूब पे, और मेरे को व्हाट्सएप करके बताएं कि यस सर मेरा आंसर पहले ही ऑलरेडी निकल चुका था। अपने आप से झूठ कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल कंप्लीट ऑनेस्ट वर्किंग के साथ। आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प दे रहे होंगे, और जो बच्चा रेगुलर है आई होप कि ये जो वीडियोज का कंटेंट आप रेगुलर देखकर फील कर पा रहे होंगे, सर इसकी वजह से तो हम एक नंबर नहीं कटवा पाएंगे, पूरा पूरा पार्ट 100 में 100 आएंगे ही आएंगे सर, कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा। चलें आगे। सर दैट्स ऑल फॉर टुडे, आगे चलने के लिए हमारा पार्ट 3 क्वेश्चन कल हमें लगाने हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।